दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कमेंट्री जीके में। दोस्तों आज का वीडियो हमारे सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि धर्म कांटा कैसे चलाते हैं, धर्म कांटा चलाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसे आप बिल्कुल आसानी से चला सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों YouTube पर धर्म कांटे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी हम देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों धर्म कांटे पर कंप्यूटर सिस्टम है, सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर ओपन करके रखना है। डिस्प्ले और कंप्यूटर पर जब जीरो दिखाई देगा तभी आपको गाड़ी को चढ़ाना है। ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर डिस्प्ले में जीरो देख लेना है, तो पहले आपको अपना सारा सिस्टम ओपन करके रखना है। तो दोस्तों हमारे प्लग्स लाइट से कनेक्ट हैं, इन्वर्टर वेटर आदि की व्यवस्था है, तो मैं अपना जो है सारा सिस्टम ओपन करूंगा। तो हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे नीली बत्ती जलेगी, उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर उसे ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड में नीचे माइक्रोसॉफ्ट विंडो पर लाना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो पर लाने के बाद हमें इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक पासवर्ड डालना पड़ता है, यहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको, तो उसे एक बार इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे हमें यूजर नेम डालना पड़ेगा, जिस कंपनी का ये खाता है वही इसका यूजर नेम है, तो मैंने यूजर नेम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो मैंने पासवर्ड भी अपना इंटर कर दिया। पासवर्ड इंटर करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, दोस्तों अगर यहाँ पर कुछ भी देखना है, चेंज करना है, डेट वगैरह, एक्साइट और यूटिलिटी रिपोर्ट इंट्री मैटर कुछ भी करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, वरना नहीं करना है तो आप एंट्री पे जाके एक बार एंटर करेंगे तो हमारा जीरो दिखने लगेगा। दोस्तों हमारे कंप्यूटर में जीरो आ जाएगा, जैसा कि आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस पोजीशन में आपको गाड़ी को चढ़ाना है। गाड़ी को चढ़ाने के बाद दोस्तों हर गाड़ी को तुलने का एक अलग अलग पासवर्ड होता है। अगर भारी गाड़ी को तुलना है तो उसका एक पासवर्ड होता है AFG, और खाली को तुलना है, वही गाड़ी अगर खाली कराने आती है तो उसका पासवर्ड होता है AS, और कोई गाड़ी पहली बार खाली का वेट कराने आती है, यानी पहले खाली का वेट कराएगी, फिर वो माल भर के लाएगी, फिर वेट कराएगी, तो उसका पासवर्ड होता है AFT। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको धर्म कांटे पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सब कुछ सीख जाएंगे। बाकी दोस्तों ये आपको कांटे पर वेट करने के लिए इन तीन बातों का ध्यान रखना है, भरी गाड़ी के लिए AFG, वही गाड़ी अगर खाली कराने आती है तो AS, और पहली बार खाली गाड़ी आती है तो AFT, और वही गाड़ी अगर भर के आती है तो AS। तो आपको यहाँ पे मैं एक बार भरी गाड़ी का वेट करा के बता देता हूँ। दोस्तों AFG हम इंटर करेंगे, तो ये AFG इंटर करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एड्रेस आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर अपना गाड़ी का नंबर डाल देंगे, उसके बाद हम इंटर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आता है खाली का वेट काटने का। अगर दोस्तों कोई ड्राइवर या पार्टी कहता है कि भरी के साथ खाली का वेट काट दो, हम दूर से आए, हम बार बार नहीं आएंगे, हमें वेट पता है, दोनों लोगों को पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है एक बार इंटर दबा कर आपका कसर यहाँ पे आ जाएगा, बाई दबा देंगे तो आप यहाँ पे खाली का वेट ड्राइवर पार्टी के बताने के अनुसार यहाँ पे काट देंगे, जितना भी वो बताए 45-57, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल डाल देना, जो भी मटेरियल है उस पर इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपको पार्टी का नाम डाल देना, जैसे कि पार्टी का नाम है, जो भी आपको पार्टी का नाम डालना है डाल देना। उसके बाद यहाँ पे चार्ज डाल देना, जैसे कि 10 चक्की है तो आपको 100 रुपये लेना है तो यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका ये भरी गाड़ी का वेट हो गया। मेन होता है आपको पासवर्ड याद रखना, पासवर्ड यानी जो इसका कोड होता है, उसके बाद चेंज करना है तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, चेंज का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप भरी गाड़ी का वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब यही गाड़ी आपकी भरी आपने किया है और आपने साथ में खाली का वेट नहीं काटा, जिस तरीके से मैंने आके काटा है, ड्राइवर पार्टी के बताने के अनुसार कोई वेट नहीं कटवाता है, बाद में खाली का वेट कराने आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों अपने कीबोर्ड में AS इंटर करेंगे बटन को, और सीरियल नंबर ये वाला जो आपको दिख रहा है 118-83, ये सीरियल नंबर वहाँ पे डाल के इंटर दबा देंगे, आपकी पर्ची निकल आएगी। इंटर दबाने के बाद आपको बाई दबा देना है, जितनी पर्चियाँ आपको निकालनी उतनी पर्चियाँ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है, भरी गाड़ी के साथ साथ खाली का भी वेट कर सकते हैं, या कोई खाली का वेट साथ में नहीं कराता है, बाद में कराने आता है, तो आप उसका बाद में भी कर सकते हैं। और दोस्तों सेम इसी तरह अगर कोई पहली बार खाली गाड़ी आती है तो आपको अपने कीबोर्ड में AFT इंटर करना है। AFT इंटर करेंगे तो वही मैटर इस तरीके से आ जाएगा, आपको गाड़ी का नंबर, पार्टी नेम, मटेरियल, चार्ज सब कुछ इसमें भर देना है, इंट्री कर देना है। उसके बाद आपको इंटर लगाकर पर्ची से निकाल के दे देना है।
दोस्तों वही गाड़ी जब खाली कबे जो भरी गाड़ी जो खाली थी पहली बार खाली कबे कराने आई, माल भर के लाई, फिर आपके लंकांटे पे चढ़ाया, फिर आपको क्या करना है, आपको ए और एस जो खाली में करना है वही आपको ए एस दबा देना है। ए एस दबाएंगे तो आपकी जो है सीरियल नंबर आपको डालना पड़ेगा, जो पर्ची आपके निकाल के दी थी उसी सीरियल नंबर पर आपकी पर्ची फाइनल निकल आएगी। तो दोस्तों इतनी छोटी सी बात है, आपको सिर्फ तीन बातें याद रखनी है कि धर्मकांटे पर भरी गाड़ी का वेट करने के लिए ए एफ जी चाहे आप लिख के रख लें ए एफ जी इंटर करना है। उसके बाद आपको अगर वही गाड़ी खाली का वेट कराने आती है तो ए एस इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई ड्राइवर या पार्टी कहता है कि भरी गाड़ी के साथ ही हमारा खाली का वेट माइनस कर दो यानी काट दो, तो आपको ए एफ जी दबाने के बाद यहाँ पे जो कर्सर आपका आ जाएगा गाड़ी का नंबर लिखने के बाद, तो आपको वाई दबा देना है। वाई दबाएंगे तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। इतना काम आपको दोस्तों करना है। उसके बाद आपको पहली बार खाली गाड़ी आने पर ए एफ टी दबाना है, वही गाड़ी भर के आएगी तो आपको ए एस दबाना है। बस दोस्तों इस छोटी सी बात को आपको याद रखना है, आप धर्मकांटा चलाना आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों आपको इतना काम सीखने के बाद कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत ही जवाब दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।